नमस्कार माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक एफएससी जॉब सेक्शन फायर सेफ्टी क्लास। दोस्तों मैं आज एक ऐसा वीडियो आपके सामने लेकर आया हूं कि देखिए, जो भाई पुलिस में नौकरी कर रहे हैं या नहीं भी कर रहे हैं या किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए जानना बहुत ही जरूरी हो जाता है कि देखिए, यहां पर एमपी में महिला पुलिस कांस्टेबल अपना जेंडर चेंज कराएगी। और देखिए, इस पूरी जेंडर चेंज प्रक्रिया को इस पूरे वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, ताकि देखिए आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि कहीं परीक्षा के अंदर यह सवाल आता है कि आप अपना जेंडर अगर चेंज कराना चाहते हैं या कोई भी इंसान अपना जेंडर चेंज कराना चाहता है तो उसकी क्या प्रक्रिया होती है। ठीक है, जो भाई चैनल पर पहली बार आए वो चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि आपको अपडेट सबसे पहले मिल सके। देखिए यहां पर मैं बात करूंगा कि देखिए यहां पर एमपी में जेंडर चेंज कराने वाली पहली कर्मचारी है, मध्य प्रदेश की पहली कर्मचारी है। देखिए यहां पर सबसे पहले मैं थोड़ा बताता हूं कि देखिए एक सर्वे हुआ था, उस सर्वे के अंदर क्या चीज निकल कर आई है उस पर हम बात करेंगे। देखिए जेंडर बदलने के इस मामले पर आपकी राय क्या है, तो आपके भी कमेंट्स हमें चाहिए, तो आप कमेंट्स हमें भेज सकते हैं। देखिए समाज में प्रोग्रेसिव चेंज आ रहे हैं, ये अच्छा है 21%। ठीक है, इस तरह बदलाव अभी समाज स्वीकार नहीं करता 25%। ठीक है, सभी को अपनी मर्जी से जीने का अधिकार होना चाहिए 20%। देखिए ये पब्लिक के पोल है जो इस तरह मैंने आपको सर्वे यहां पर दिखाया। अब देखिए पूरी बात आपको बताते हैं, मध्य प्रदेश में देखिए पहली बार ये महिला ने एप्लीकेशन दिया, राज्य के होम डिपार्टमेंट ने बुधवार को इसके लिए परमिशन लेटर जारी कर दिया है। जेंडर चेंज कराने की प्रोसेस पूरी होने के बाद महिला की पहचान पुलिस कांस्टेबल के रूप में होगी। अब तक महिला कांस्टेबल के रूप में उनको गिना जाता था, अब पुलिस कांस्टेबल के रूप में गिना जाएगा। देखिए यहां पर गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव, ठीक है, उन्होंने यहां पर मध्य प्रदेश का ये पहला केस है जिसमें सरकार ने अपने किसी कर्मचारी को जेंडर बदलने की अनुमति दी है। देखिये यहां पर डॉक्टर ने बताया कि महिला जो भी महिला है प्रदेश के एक जिले में वो तैनात है और उन्हें बचपन से ही जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर की प्रॉब्लम है, जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर की प्रॉब्लम है। इसकी पुष्टि राष्ट्रीय स्तर के मनोचिकित्सकों ने की, इस तरह की गई। इस बीमारी से उसे शरीर और लैंगिक स्वभाव मिसमैच लगता है, तो कांस्टेबल ने जेंडर परिवर्तन के लिए पुलिस मुख्यालय को आवेदन किया, क्योंकि वो सरकारी कर्मचारी थी, अपने विभाग को ही वो वहां पर आवेदन करेंगी। देखिए यहां पर मुख्यालय ने गृह विभाग से इसके लिए अनुमति मांगी, पूरी प्रक्रिया पूरी होने के बाद 1 दिसंबर को उन्हें अनुमति दे दी गई, अब महिला कांस्टेबल जेंडर अपना चेंज करा सकेंगी। अब आगे देखिए काम की बात, जानिए जेंडर चेंज की प्रक्रिया क्या है। देखिए जेंडर चेंज कराने की प्रक्रिया आसान नहीं है, महिला कांस्टेबल को 3.5 साल बाद इसकी अनुमति मिली है। इसके लिए यदि आप सरकारी कर्मचारी हैं तो आप पहले विभाग के पास आवेदन करना पड़ेगा, आम आदमी को संबंधित जिला कलेक्टर के पास आवेदन करना पड़ेगा और उसके बाद डॉक्टरों की टीम इसमें जांच करेगी, वो अपनी रिपोर्ट गजट में प्रकाशित होगा और देखिए इसके साथ ही अखबार में भी इश्तेहार देना पड़ेगा, उसका भी प्रकाशन होगा और उसके बाद गृह विभाग आखिरी अनुमति आपको देगा। अगर आप आम आदमी हैं तो आप कलेक्टर के थ्रू जाइए और अगर आप किसी विभाग में काम करते हैं तो आप अपने विभाग के मुख्यालय में इसकी अपील दे सकते हैं। देखिये यहां पर 2 फरवरी 2019 को दिया था उन्होंने एसपी ऑफिस में आवेदन। ठीक है, देखिए पूरा 2019 निकल गया, 20 निकल गया 21 के दिसंबर में, तो देखिए पूरी प्रक्रिया में समय लगता है, कई सारी जांचें इसके अंदर होती हैं। तो देखिए ये जो खबर थी जो मैं आपको बताने वाला था, जो मैंने आपको बता दी, तो देखिए इसमें आपका जीवन है ना जेंडर चेंज कराने के बाद भी सामान्य रहता है, कुछ चीजें हैं कुछ केयर करनी पड़ती है, वो डॉक्टरों की देखरेख में होती है, वो कर सकते हैं। लेकिन यहां पर हम लोगों के लिए सवाल क्या है सबसे बड़ा, कि अगर किसी व्यक्ति को जेंडर चेंज कराना हो तो वो कहां पर प्रथम अपील करेगा, प्रथम अपील कहां पर करेगा और किस किस प्रक्रिया से उसको गुजरना पड़ेगा, तो वो चीज इस वीडियो में क्लियर हो गई। ये संदेश आप जिन तक शेयर करें, फिर आते हैं अपडेट के साथ, भर्ती विज्ञापन के साथ। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।